दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। फिलौर के अधीन आते गांवों कतपालों की हालत बहुत ही तरस योग्य बनी हुई है। गांव को जाने वाली दोनों सड़कों ने झील का रूप धारण किया हुआ है। गौरतलब है कि इन सड़कों पर गंदा पानी खड़ा है। इसके कारण सड़क से आने जाने वाले राहगीरों को खासी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इस संबंधी जानकारी देते हुए गांव के सरपंच कमलजीत सिंह ने बताया कि सड़क पर खड़े इस पानी के कारण गांववासियों तथा स्कूल जाने वाले बच्चों को मुश्किल होती है। इसलिए उनके द्वारा प्रशासन से मांग की जा रही है कि वे इस समस्या को जल्द से जल्द हल कर दें और पानी की निकासी के उचित प्रबंध भी किए जाएं। सरपंच पिंड कतपालो दसना चाहता कि साडा जो मेन सड़क है यह अशाहूर कड्याणे के लोग जो इतों रास्ते राही फलौर काम से जाते हैं उन्होंने बड़ी दिक्कत आती है। स्कूल के बच्चे गिरते हैं, एक दिन माता गिर गई, ये बहुत सट्टा सुट्टा लगदियाँ, इट्टा उट्टा बच्चे लोगों ने सीटियां हुई, रास्ता बहुत ज़्यादा खराब आ। इस करके जल्दी तो जल्दी सरकार जी ग्रांट यदा एसटीमेट ला के ग्रांट जारी करे। नहीं ग्रांट जारी करनी तो सू कुछ दिन कैसटी के ग्रांट नहीं दी, असं लोगों को इधर उधर पार करा सकते। इवें कि जी साडे पिंड की मेन समस्या आ, साडे पिंड दी जिहड़ियां सड़कां गोडे गोडे उन्हां दे विच पानी खड़ा होया ते कोई बच्चा कोई बजुर्ग उहदे विच लंघ नहीं सकदा। असीं मंग करदे हां कि साडी इह सड़कां दी समस्या नूं जल्दी तों जल्दी हल कीता जावे।